आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ऐसे नोट्स बने ताकि दूसरे को भी समझ नहीं आए, केवल आपको समझ में आए। हेलो, हाँ शॉर्ट नोट्स भेज दें, अभी भेजते हैं। हेलो, हाँ भेज दिया, देख लो। क्या समझ नहीं आ रहा है? तो कैसे समझ आएगा, शॉर्ट नोट्स तो हमने बनाए ना, तो हमको ही समझ में आएगा। चलो वीडियो बना देता है, देख लो उसमें कैसे समझ में आएगा। वेलकम है आपका एक और वीडियो में। तो कमेंट आया था शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो ये देख सकते हो ये मेरे इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने जीके के बना रखे हैं, वो अभी लाइब्रेरी के अंदर है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता अभी। तो ये आप देख सकते हो, मैं इसकी जो है फोटो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो प्रॉपरली जो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने एरो डाल के क्या लिख रखा है, नंबर प्लस पर्सन इक्वल टू अकॉर्डिंग यूज वर्ब, यानी जो नंबर और पर्सन है उनके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। अब ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने उन नोट्स को पढ़ा 2-3 बार पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ ना कि जो ये मीनिंग्स मतलब ये जो बीच के वर्ड्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि नंबर जितने पर्सन के नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। अब ये जितने उतने ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है नोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं कि नंबर लिख दिया और पर्सन लिख दिया, यानी नंबर के अकॉर्डिंग पर्सन। अब ये याद कैसे आएगा आपको, ये याद तभी आएगा जब आप 2-3 बार उस नोट्स को पढ़ लोगे। आया कुछ समझ में? तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे नीचे आओगे तो मैंने लिख रखा है प्रॉपरली, इसके अंदर से आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, फिर नाउन हो गया, वर्ब हो गया, तो ये लिख रखा है मैंने केवल। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैंने उसको पढ़ा 2-3 बार, यानी जो बीच के जो वर्ड्स होते हैं वो अब लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं जो मेरी कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट्स थे ना, वो कॉपी भी अभी मेरी कहाँ है, लाइब्रेरी के अंदर है, वो भी नहीं दिखा सकता, लेकिन साफ साफ बता रहा हूँ उस कॉपी के अंदर जो नोट्स थे ना इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, डिट्टो वही लिखे हैं मैंने इसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर जो थे वो 20 से 22 पेज के अंदर थे, और जो मैंने इसके अंदर लिखा है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5 पेज के अंदर पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स आ चुके डिट्टो के डिट्टो। तो ये कैसे होगा, शॉर्ट नोट्स से होगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, आप 2-3 बार रिवाइज करो, तो जो बीच के वर्ड्स होते हैं ना जितने उतने वगैरह, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल प्लस फर्स्ट नाउन एडजेक्टिव एंड फिर नाउन आ गया, यानी इसके अंदर जो है आर्टिकल या आपका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ऐसा ये पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि आर्टिकल या प्रीपोजिशन आए उसके बाद नाउन आए, और अगर आपके बाद जो है प्रीपोजिशन आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दिया है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। केवल आप लिखो आर्टिकल पहला नाउन एडजेक्टिव एंड फिर आपका तो वर्ब के सिंगुलर फॉर्म। ये कैसे होगा, ये 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तभी आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है ढंग से। समझ नहीं आया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, तो वीडियो वापस देखो या फिर डीएम करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे जाकर आप देख सकते हो, डीएम कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो पर्सनली। तो जितने भी कमेंट आते हैं कि आपसे पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, साथ में टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जितने भी मेरे नोट्स वगैरह है सभी मैं उसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, तो जाओ जाकर ज्वाइन करो। जितने भी बुक्स वगैरह सभी मैंने डाल रखी है उसके ऊपर, तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करो। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं उसको भी फोन कर देता हूँ और बोल देता हूँ वीडियो देख ले, मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने, दूसरे के आप नोट्स कॉपी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, और ऐसे आपको बार बार उसको पढ़ना है ताकि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ऐसे नोट्स बने ताकि दूसरे को भी समझ नहीं आए, केवल आपको समझ में। ऐसे कोड वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो यही था कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।